नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो अभी मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है और गर्मी का टाइम है, मुंबई में भी बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, सब गाड़ियाँ भीग गया, गीला हो गया सब गाड़ियाँ। ये देखिए पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, सुबह 6 बजे से बारिश हो रहा है और अभी गर्मी का मौसम है मुंबई में। देखिए सब का सब गाड़ियाँ भीग गया, गीला हो गया। मुझे एक्चुअली कहीं पे जाना था, शायद कुछ काम की वजह से, तो इस बारिश की वजह से मैं जाना कैंसिल कर रहा हूँ। जाऊँगा कभी, नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाता हूँ, एक मीटिंग था छोटा सा, तो इसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, बारिश की वजह से कैंसिल कर रहा हूँ और टाइम भी बहुत ही। देखिए कितना बारिश हो रहा है डूमर में, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था। आज मैंने गया था नीचे, तो कहीं जाना था और प्लानिंग अचानक मेरा कैंसिल हो गया और मैं करीबन अभी 2 दिन हो गया, 2 दिन से कुछ थोड़ा सा टेंशन चल रहा था पैसों को लेकर के, और मेरा जो एक और भी काम रहता है, अलग काम है, इन्वेस्टमेंट का है, फाइनेंस सर्विसेज का है, तो इसमें मेरा कुछ नुकसान जा रहा था। और हालांकि तो इसकी वजह से ना टेंशन था, ऊपर से नीचे जब सुबह उठा तो गया था तो बारिश थी, इसकी वजह से मैं फिर गया नहीं कहीं और प्लानिंग अचानक कैंसिल हो गया। फिर कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा तो उसके लिए मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा जरूर। कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा जरूर कमेंट कीजिएगा एंड मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अभी रात को करीबन कितना बजे का होगा, 10 बजे का होगा, तो रात को भी 10 बजे का है और हम लोग भी खाना पीना खा लिए हैं और अभी अपने रूम में आ गए हैं, फिर अभी सोएंगे, फिर सुबह उठना मुझे करीबन 4-5 बजे, फिर एक छोटी सी जॉब भी मुझे जाना भी पड़ेगा, एक साइड इनकम भी है मेरा, तो उधर जाता हूँ, फिर वहाँ से 7 बजे आके फिर अपना काम पे मुझे लग जाना पड़ता है। और जो ये काम है, जो अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे 12 घंटा का ड्यूटी मुझे देना पड़ता है, और एक और काम है जो सुबह में करता हूँ वो 1 घंटे का काम रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे कहने और बोलने का मकसद है कि बहुत कुछ लाइफ में है जो आप लोग अचीव कर सकते हो, सोच सकते हो। फाइनेंस के बारे में आप लोगों को बता ही दिया हूँ, फिर भी एक बार रिमेंबर कर देता हूँ और याद दिला देता हूँ हम लोगों को कि कोई भी चीज़ हो अगर आप खरीदने को सोच रहे हो तो जो उसका कीमत है उससे कई गुना आपके पास होना चाहिए, लाइक 4 गुना 5 गुना भी होना चाहिए, 6 गुना होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है, जितना ज़्यादा पैसा हो। और आजकल पैसा किसको नहीं अच्छा लगता दोस्तों, सबको पैसा अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, प्रोफेशनल धन दौलत, जिसको केयर करना, संभाल के रखना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चुनौती है। और अपने आप को संभाल के रखना, एक लेवल की एक ऊंचाई तक बैठ के रहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पॉइंट है, लेकिन हर इंसान समझ नहीं पाता है। मान के चलो आपके पास छोटी मोटी जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट में आपके पास लंबे वक्त तक रुके रहना बहुत बड़ी बात है, पर ये चीज़ कोई गहराई से सोचता नहीं, 1 रुपये के बारे में नहीं सोचता है, आता है, खर्चा हो जाता है, चले जाता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचीवमेंट आप लोग भी कर सकते हो, और हम भी कोशिश लगे हैं और दिन रात लगे हैं, और एक कभी ना कभी मैं भी सक्सेस का झंडा जरूर गाड़ूंगा और एक ना एक दिन अच्छे मुकाम पे रहूँगा। अगर आप लोग चाहो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो, अगर दिल से चाहने वाले हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि हम आप लोगों के लिए और नई नई चीज़ें, नई नई टाइम स्पेंड करके भी दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा भी, और कोई भी हमसे मिस्टेक भी हुआ होगा तो आप लोग कृपया करके उसे क्षमा जरूर कर दीजिएगा। एंड आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड अपना ख्याल रखिए।